मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज बाबा के 2 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। देह भी मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। कुछ ने ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए, ऊंची मंजिल पर जाना है तो कौन सा डर निकल जाना चाहिए। कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं, कहते बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं, महावीर बन, विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। महावीर बन, विजयी बनना है तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं, इसको कहा जाता जीते जी मरकर बाबा का बनना। बाबा का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता तो क्रिश्चनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जा कर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अब तुम बच्चे पहले बाबा के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण करते हैं, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं, ये बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है सबको भूलते हैं। जो कुछ भी मेरा मेरा हम कहते हैं सबको भूलना है, मरने के बाद सब भूल जाता है ना, कितनी बड़ी मंजिल है। जो कुछ हम मरने के बाद भूलते हैं वो जीते जी भूल जाना, ये कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं ये पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ा ही बनी है, भले बाबा के बने हो, परंतु बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमोप्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते, माया ने एकदम पंख तोड़ दिए। बाबा ने समझाया, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज़ कोई होती नहीं, आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं, कोई भी आत्मा से तीखी चीज़ नहीं हो सकती है, उससे बढ़िया रेस कोई कर नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं, कहाँ जाती हैं, बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उनके रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है, आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। जो भी पुराने हिसाब किताब हैं वो चुकतू करके आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली
पाप आत्मा है। सभी आत्माएं कैसी हैं? मैली हैं, पाप आत्माएं हैं। भले साधु सन्यासी गुरु आदि हैं, समझते हम गुरु हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म में पहुँचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में, फिर कहाँ पहुँच गए? अब जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी कोई जा भी नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं, ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है। सब आत्माओं को मूल वतन से यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहाँ रह के क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ा ही बैठ जाएगा। हर एक को मूल वतन से यहाँ आना ही है पार्ट बजाने के लिए। बिना पार्ट बजाए आत्मा वहाँ रह नहीं सकती। नाटक में तो आना ही है, वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाबा कहते मैं भले यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पे मदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। हम आत्मा हैं ये निश्चय करना मेहनत है, इसमें बहुत अभ्यास चाहिए। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, इसमें मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आके भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे, देही अभिमानी तब रहेंगे कब? इम्पॉर्टेंट बात, जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, ये देह जैसे कि हमारी नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन और सभी से ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आके बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे का कर्ज उतारना है, बच्चे को भी कर्ज उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा करके उजूरा देना है, माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, बच्चों का फर्ज है माता पिता की संभाल करना, केयर करना। माता पिता बच्चों की पालना करते हैं तो बच्चों का भी फर्ज बनता है अपने माता पिता की संभाल करना। अब बाबा तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को, पतितों को पावन बनाते हैं। अब ये तत्ववादी सब दुश्मन हैं, अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं, सत्युग में सब सुख की चीज़ें। वहाँ ये तूफान, गर्म वायु आदि ये कुछ नहीं होता। सत्युग में प्रकृति भी सतो प्रधान सुखदायी होती है, वहाँ ये तूफान, गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। कोई आज है और कल आना बंद कर देते हैं तो यूं कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं समझा। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता है, छोटे फूल बड़े हों तो उसमें फल आ जाएं, उनमें फिर दूसरों को आपसमान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाबा के बने हो तूफान तो आएंगे, बाबा के बने हो तूफान तो आएंगे। कहते बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने, मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाबा को इतना याद करना पड़े, आप समान बनाए फल देना पड़े। बाबा को इतना याद करना है,
आप समान बनाकर बाबा के प्यार का रिटर्न देना है, नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास बहुत आते हैं फिर फारकती दे देते, बाबा के पास बहुत आते हैं और कोई छोड़ के चले जाते। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं कि कोई तूफान ना लगे। हम अपनी अवस्था को कैसे जमाएं कि हमें कोई तूफान ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा भी लगाता होगा, ये भी बॉक्सिंग है। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, बाबा को याद करेंगे प्यार से तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भले कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। ऐसे मत समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भले कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं, माँ एकदम नाक में दम कर देती, युद्ध स्थल है ना। बुद्धियोग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। भले बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं, पहले तो योग पूरा चाहिए। बाबा को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं। विश्व का मालिक बनते हैं ना, सब बनेंगे। 16108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते, कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ पर हैं, चाहे सतयुग वाले, चाहे त्रेता वाले, महाराजा महारानी, राजा रानी, सब बनते यहाँ पर हैं संगम युग पर। जब हम राजयोग सीखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो इसी से सब तैयार होते हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊँगा। बाबा ये तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धियोग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते, सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते, हमारा सब कुछ आपका है। कहते ना, ये सब भगवान ने दिया है। बाबा कहते, सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुम्हें बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाबा कहते, बच्चे अशरीरी बनो मुझे याद करो, अशरीरी बनो मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाबा कहते, इन सब शास्त्रों आदि का सार मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख से राजा रानी बनाया था, अब मैं बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा। बाबा कहते, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, हर 5-4 वर्ष के बाद बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। योग से कितने फ़ायदे हैं, जितना याद करेंगे आत्मा शुद्ध होती जाएगी। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वो भी मत लेते हैं, अक्सर करके गरीब पूरा पोता मेल देते हैं। बाबा से राय लेते हैं, गरीब अपना पूरा चार्ट देते हैं, साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो आत्मा वो अलग कैसे हो। एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो।
बाबा है गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती गरीब कन्याएं हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता तो वह सबको छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को दिया जाता। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन, मैं वन सर्वेंटी वन धर्म वन भाषा स्थापन करता हूँ, मैं एक धर्म एक राज्य एक भाषा स्थापन करता हूँ, वन आलमाइटी वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर टू थ्री होंगे, अब कितने धर्म हैं, फिर वन धर्म में आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, एक ही धर्म था, विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी, समझते नहीं कि सतयुग क्या होता है, समझते स्वर्गवासी हुआ शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है तो मनुष्य मूंछ पड़ते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, तुम अब जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहाँ आकर हम राज्य करेंगे, पहले हम बाबा के साथ घर जाएंगे फिर आकर राज्य करेंगे, ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो किसी को भी समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, जो निश्चय बुद्धि नहीं है ना तो उनको तो माया रूपी चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते, रजिस्टर रखा जाता। बाबा के पास समाचार आता, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, अरे बाप को क्यों भूल जाते हो, इसको ज्ञान बाण कहते हैं, सिर्फ बाबा की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है, बाबा की ही याद दिलानी है, कोई हिंसक बाण की बात नहीं। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का सार तुम्हें समझाता हूँ, शास्त्रों का राज क्या है ब्रह्मा मुख से समझाता हूँ, ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया, जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया, गंदगी बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए, सच जब निकलता है तो झूठ उसका सामना करता है, जब सत्य कोई चीज़ आती है तो झूठ भी सामना करता है, अब तुम समझते हो। शिव बाबा है निराकार, ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है, जब बाबा सृष्टि पर आए हैं सत्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो अपने आप को यही कहते हैं कि यही ज्ञान सत्य है, तो बाबा कहते ये भी होगा ही, ये भी आपका मन बुद्धि का टेस्ट है कि आप सत्य को कितना पहचानते हैं। बाबा कल्प में एक बार आते हैं, ये बातें समझने की हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है, बाबा का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देह ये अभिमानी बन, कंप्लीट सरेंडर होना है। बाबा का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है, देह भी मेरी नहीं, पूरा देह अभिमानी बन, कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान है ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए
अथवा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए ये स्मृति रहे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना, किचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। सरल शब्दों में ज्ञान के साथ साथ पावरफुल योग बहुत जरूरी है, जिससे हमारे पुराने संस्कार बदलते हैं। उसके लिए स्मृति चाहिए कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। पावरफुल योग अर्थात जब आप अलमाइटी बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं तो अपनी कमियाँ भी स्पष्ट नज़र आती हैं और बाबा की ताकत से वो कमियाँ मिट जाती हैं, कमजोरियाँ समाप्त हो जाती हैं। स्लोगन है शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। जितनी शुभ भावना शुभ कामना होगी संकल्पों में, उतना जमा का खाता बढ़ता रहेगा। आज चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ओम शांति।